नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि कुमार, जो हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, जेपी हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ ताकि कुछ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ डाउट्स हैं उसको मैं आज क्लियर कर सकूँ। सर, हमारा पहला सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एज के लिए जो हाई जो ब्लड प्रेशर्स हैं उसके लिमिट्स अलग-अलग हैं। 18 साल से ऊपर की आयु के जो भी मेल या फीमेल हैं उनके लिए अगर उनका ब्लड प्रेशर 130 और 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा अगर रह रहा है और ऐसा एक हफ्ते में अगर हम 2 से 3 रीडिंग ले रहे हैं और हर रीडिंग का एवरेज 130/80 से ज़्यादा है, तब हम बोलते हैं कि उस आदमी को या उस महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है। सर, हाई ब्लड प्रेशर होने से किडनी पर खतरा किस तरह बढ़ जाता है? हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है किडनी। किडनी की जो ब्लड सप्लाई होती है, जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय किडनी के अंदर की ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है और इसके वजह से किडनी में जो भी अगर पहले से कोई खराबी चल रही होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए, और अगर किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है तो उस बीमारी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी को और बढ़ा देता है। तो किडनी के मरीजों को खास करके अपने हाई ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सर, क्या हाई ब्लड प्रेशर क्योर किया जा सकता है? हाई ब्लड प्रेशर अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो उसका क्योर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार ना कुछ दूसरी बीमारियों के वजह से ब्लड प्रेशर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को स्टेरॉयड की दवाइयाँ चल रही होती हैं और उस दवा के वजह से ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो अगर ये कुछ समय के लिए है तो ये इन चीज़ों को दवा को बंद करने के बाद ये चीज़ वापस रिवर्स हो सकती है। वैसे ही कुछ लोगों में न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर नर्व्स की इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर आ सकता है। कुछ और सेकेंडरी कारण है, जैसे बहुत कॉमन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लोग रात में सोते समय खर्राटे ले रहे होते हैं और इन लोगों को जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो कई बार उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है या ठीक भी हो सकता है। वैसे ही कुछ और बीमारियां हैं, जैसे हमारे ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक थायराइड ग्लैंड है, या फिर पेट के अंदर में और भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी होती है, इन बीमारियों के वजह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। जैसे ही हम इन बीमारी को ठीक करते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सर, क्या हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिजीज क्यों कहते हैं? जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या इसेंशियल हाइपरटेंशन, इसका बहुत बड़ा रीजन हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल है वो है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आजकल हमारे लाइफ में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है। हमारे स्ट्रेस की वजह से ये जो स्ट्रेस है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही हो सकता है और इन दोनों का इफेक्ट फाइनली हमारे बॉडी के हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर और हमारे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं उसके ऊपर होता है और हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होने से इन चीज़ों को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर, क्या हाइपरटेंशन बच्चों को भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत एक कॉमन भ्रांति होती है कि जैसे बच्चों को ये चीज़ नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर बच्चों में भी हो सकती है। लेकिन क्या है, बच्चों में जो ब्लड प्रेशर होता है मोस्टली उसके ना
कुछ और कारण होता है। इस तरह के ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब किसी और बीमारी के वजह से बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और जैसे ही हम उस बीमारी का जो प्राइमरी इलनेस होती है उसको ठीक करते हैं, मेनी ए टाइम्स ये चीज ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों में भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सर, हमें हाइपरटेंशन को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है, आंख की जो रेटिना होती है उसके ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों की विजन जा सकती है, ये हमारे हार्ट के ऊपर असर करता है, इससे हार्ट अटैक हो सकते हैं, ये हमारी किडनियों को डैमेज करता है जिससे किडनी फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये हमारे खून की जो भी हाथ पैर की जो नसें हैं उनको डैमेज कर सकता है, तो उस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक सकती है। तो इस तरीके से ना एक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और इन सबों का वो ठीक करने का एक सिंपल सा उपाय है कि हम अपने ब्लड प्रेशर का केयर करें, खास करके वैसे लोग जिनकी भी एज 30-35 इयर्स से ज़्यादा हो गई है, वो वंस इन अ मंथ अपना एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लें। जिनकी भी कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है कि घर में किसी को हार्ट अटैक आया है बहुत कम उम्र में, या घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है, या उनको खुद डायबिटीज है, तो वैसे लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।